हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आवर वर्कशीट नंबर 64 फॉर क्लास 6 to 8, शेड्यूल टू बी डन ऑन 17th सितंबर 2020. स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन आर फिजिकल एक्टिविटीज, नीड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एंड आर स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. लेट्स स्टार्ट विद आर वर्कशीट. नाउ During the lockdown, Pinku's grandfather finds that Pinku is no longer interested in games, but instead watches cartoons on television all the day. Pinku, don't you like playing games? दादाजी ने क्या पूछा? ये आपको प्रेजेंट जो किया जा रहा है बेटा, ये सर्कल सर्कल और क्राउड, ये क्लाउड, इससे क्या बताया जा रहा है? ये दादाजी के एक्सप्रेशंस शो किए जा रहे हैं कि Pinku, don't you like प्लेइंग गेम्स, क्या तुम्हें पिंक गेम्स खेलना अच्छा नहीं लगता? तो ये पिंकू बैठा है, देखिए वो टीवी देख रहा है और सोफे पे बैठकर. तो अब उसके बाद क्या हुआ, पिंकू ने क्या जवाब दिया दादाजी को? दादाजी, आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर प्लेइंग बट नो वन कैन प्ले आउट ड्यूरिंग दिस पैंडमिक. वो क्या कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ बाहर खेलने के लिए, लेकिन कोई भी बाहर इस पैंडमिक में नहीं खेल सकता. Then दादाजी sat near Pinku and told him that watching TV for long hours had a bad effect on our eyes, while playing games has many benefits. These are, now we are going to learn about the benefits of our playing games or the benefits of physical activities. बेटा यहाँ बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स जो है, आप इसकी जगह बेनिफिट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हो. बेनिफिट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, जहाँ हम अपनी बॉडी को, हम जहाँ पे फिज़िकली एक्टिव होते हैं, कुछ करते हैं. तो फिज़िकल एक्टिविटी, एक्टिव होने से क्या होगा, हमारी बॉडी, सबसे पहले हमारी बॉडी फिट रहेगी. हम फिट रहेंगे, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, हम डिसिप्लिन सीखेंगे कैसे, कब क्या करना चाहिए, किस समय में हमारे पास बॉल आ रही है, कब हमें उसे कैसे कैच करना है. तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, फोकस अच्छा हो जाता है. उसकी वजह से हम टीम वर्क सीख जाते हैं. जब हम दोस्तों के साथ खेलते हैं तो एक टीम में काम करते हैं, तो हमें टीम में काम करने में और भी ज़्यादा, देखिए बेटा कोलैबोरेटेड लर्निंग होती है, ये एक साथ मिल के काम करना भी एक कला है जो हम खेल खेल में ही सीख जाते हैं. वी लर्न टू कोऑपरेट विद ईच अदर, और हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना भी सीख जाते हैं. अब देखिए, लेट अस आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स आर, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वी कैन प्ले एट होम, राइट येस और नो. सो the games which we can play at home, see ludo, agar aap ludo dekhiye to ye to hum ghar pe hi khelte hain, yes we can play it at home. ab yahan dekhiye ball hai beta, agar passing the parcel khelenge, agar football khelenge to aap no nahi khel sakte, for football we cannot play, क्योंकि ये फुटबॉल की गेम जो बॉल है. लेकिन अगर हम पासिंग द पार्सल या कोई ऐसी गेम खेलने लगे बॉल से, तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं. लेकिन पासिंग द पार्सल में तो हम एक छोटा सा पिलो भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉल चाहिए. अब देखिए स्किपिंग, तो स्किपिंग भी घर में की जा सकती है, घर के यार्ड में की जा सकती है, आंगन में या फिर छत पर की जा सकती है. तो स्किपिंग तो यस है, कई सुबह आप कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं. अब है चेस, चेस हम क्या कर सकते हैं, हम चेस भी घर पर खेल सकते हैं क्योंकि ये इंडोर गेम है. अब देखिए ये है क्रिकेट, तो क्या क्रिकेट हम घर में खेल सकते हैं? नहीं, सब कुछ टूट जाएगा और मम्मी बहुत पिटाई करेगी, तो इसलिए हम घर में ये गेम नहीं खेल सकते, ये आउटडोर गेम है. और राइट द नेम्स ऑफ योर फेवरेट इंडोर गेम्स. तो बेटा इंडोर गेम में हमारी एक, हमने अभी लूडो किया, एक चेस है, स्किपिंग है, इसके अलावा आप कैरम खेलते हैं. तो आपको जो भी इंडोर गेम, जो गेम आपको घर पर रहकर खेलना पसंद है, आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है.
आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड यू enjoyed टूडेज वर्कशीट. बेटा ये जो आपने वर्कशीट है ये अपनी नोटबुक में करनी है, जो आपकी नोटबुक जिसमें आप सारी वर्कशीट्स कर रहे हैं उसमें बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स के साथ साथ आप उसको साथ में लिख सकते हैं स्लैश डाल के उसको कॉम की बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स और बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़. आप यहाँ पर और डालकर लिख सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़, और या तो आपसे कोई पूछ सकता है कि प्लेइंग गेम के क्या बेनिफिट्स हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं. तो दोनों में ही ये आएगा कि हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारी बॉडी को फिट रखता है, हमें डिसिप्लिन हेल्प करता है, फिर हम डिसिप्लिन लर्न करने के साथ साथ हम टीम वर्क में काम करना सीखते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और ये बहुत अच्छी लाइफ स्किल्स हैं एक्चुअली. और ये लाइफ स्किल्स हम इनडायरेक्टली ही इंजॉयमेंट के साथ, वी लर्न वाइल प्लेइंग, लर्निंग वाइल प्लेइंग होता है अगर हम जब हम गेम्स खेलते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू विल फ्रॉम हैव द अवेयरनेस. और आप लोग भी बेटा गेम्स खेलेंगे इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड वॉचिंग द सीरियल्स और कार्टून्स. बेटा कार्टून्स और जो टीवी देखते हैं आप उससे अपनी आइज़ या मोबाइल्स में गेम खेल के उससे अपनी आइज़ वीक करते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको गेम्स खेलना चाहिए, आपको स्टडी करना है, और खेल खेल में हम पढ़ भी सकते हैं. तो देखिए आप अपने क्विज भी खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी हमारी इंडोर गेम है. हम अपनी पढ़ाई में भी क्विज बना सकते हैं. आई होप यू वुड अप्लाई इट. सो एंजॉय लर्निंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. थैंक यू.